हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, तो मैं उसमें डिस्कस करने वाला हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं ना। तो पहले अगर मैं बताऊँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ना, हमारे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का ही एक टॉपिक है। अगर किसी ने बीटेक की हो तो उसमें थोड़ी सी नॉलेज होगी उसे कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या है और रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन नॉर्मली हम वही यूज़ करते हैं कि स्ट्रिंग को हमें वैलिडेट करना है, पासवर्ड को वैलिडेट करना है। जैसे मान लेते हैं कि हमारी कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, पर वो स्ट्रिंग जो है वो स्टार्ट तो डी से हो, मान लो दीपक है या कुछ भी है, वो डी से हो और उसके बाद कितने भी अल्फा करेक्टर्स होंगे, मतलब कितने भी सारे ए बी सी डी जो भी है नंबर्स होंगे, पर वो सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में होंगे ना। तो उसका ये तो सिंपलेस्ट है कि इसको कैसे बना सकते हैं। अगर मैं इसी को थोड़ा सा ग्राफ, मतलब उसके थ्रू बताऊं, नॉर्मली जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अकॉर्डिंग, कि जैसे ये है कोई नोड, ये भी कोई नोड है, ठीक है, तो स्टार्ट डी से होगा, तो यानी कि डी से स्टार्ट होगा और उसके बाद कितने भी, जैसे यहाँ पे किया, तो कितने भी ए से लेकर जेड तक जितने भी नंबर होंगे वो सारे इसके अंदर जाए। तो ये जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन ना। और अब मैं इसको अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी और इसके बाद कितने भी ए से लेकर जेड तक सारे करेक्टर्स जो आएंगे वो इसके अंदर आएंगे। तो ये एक सिंपलेस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि स्ट्रिंग, मतलब ये एक्सप्रेशन है ना कि ये मैच कर रहा है, मैं खाली रेगुलर एक्सप्रेशन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक ये हो गया। दूसरा मान लो कि हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें स्टार्ट टी से हो, मतलब उसके बाद कितने भी नंबर्स आए पर उसके बाद कितने सारे भी, फिर उसके बाद एटलीस्ट वन जेड आए, ठीक है, और उसके बाद कितने भी सारे 0 to 1 आए। तो सिंपली ये 0 to 9, मतलब अगर मतलब नंबर्स आए, तो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है कि स्टार्ट डी से होगा, उसके बाद कितने ही सारे अल्फा स्मॉल करेक्टर्स आएंगे, फिर जेड आएगा। जेड लिख सकते हैं या फिर एट द रेट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, उसके बाद कितने भी नंबर्स आएंगे। अगर मैं इसी को लिखूँ इसमें, तो यहाँ पे क्या आएगा, एट द रेट आएगा उसके बाद, और उसके बाद कितने सारे भी और 0 और 1 आ सकते हैं, ठीक है। तो ये है 1 0 एंड 1, तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। दूसरा मान लेते हैं कि एक तो ये, अब दूसरा और मान लेते हैं कि जैसे मान लो कि ये ए टू जेड कितने भी आ सकते हैं, एट द रेट आएगा, और 0 to 9 कितने भी आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो लेंथ है उनकी 3 होगी। तो 3, अब देखो 3 लिखा, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम लिमिट 3 होगी और मिनिमम लिमिट भी 3 होगी, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया कॉमा, तो इसका मतलब क्या है, मिनिमम लिमिट 3 है 0 to 9 से और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, और मैंने लिख दिया 3 to 8, तो इसका मतलब क्या है, मिनिमम लिमिट 3 होगी और मैक्सिमम लिमिट 8 होगी, तो इन दोनों के बीच का ही नंबर रहने वाला है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई ईमेल का वैलिडेशन बनाते हैं ना, जैसे अब देखो ईमेल का वैलिडेशन बनाएंगे, ईमेल का मतलब है कोई भी अल्फा न्यूमेरिक आएगा, फिर उसके बाद एट द रेट आएगा, फिर कोई से अल्फा न्यूमेरिक आएगा, फिर .com .com जो भी आएगा, ठीक है। अब हमने लिखा ईमेल, अब जैसे कोई भी स्मॉल भी आ सकते हैं उसमें, कैपिटल भी आ सकते हैं ना, तो हम क्या लिखने वाले हैं, इसका एक और सही तरीका ये है कि ए टू जेड आएगा, मतलब स्मॉल आएंगे, उसके बाद सारे के सारे कैपिटल आ सकते हैं, ठीक है, पर उसके बाद 0 to 9 आ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये कितने सारे भी आ सकते हैं, इनका कोई भी सीक्वेंस नहीं है कि एक आएंगे दो आएंगे, कितने सारे भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, प्लस प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब ये है कि ये तो नंबर आएगा ही आएगा, ठीक है, इसके बाद एट द रेट। अब देखो, अब मैं एट द रेट लिखा, अब इसके बाद जितने भी सारे नंबर आएंगे, जैसे ये जो स्टार्टिंग का जो ये जो रेजेक्स है, इसका मतलब है कि ईमेल आईडी के एट द रेट से पहले वाले कितने भी आ सकते हैं। अब मान लो एट द रेट के बाद भी कई सारे आ सकते हैं नंबर्स ना, तो सेम उठा के ये वाला मैं यहाँ लग, ठीक है, तो जो भी नंबर आएगा प्लस एट द रेट। अब मान लो कि इसके बाद .com आएगा ना, तो प्लस डॉट और जो भी नंबर आएंगे वो सारे इसमें, ठीक है, डॉट जो भी है यहाँ पे प्लस लगा दे, ठीक है। अब ये हो गया। दूसरा क्या है कि ये जो नंबर है .com जो भी है लिखते हैं, तो मिनिमम .com लिखा, .in लिखा, तो मिनिमम 2 रहते हैं,
और मैक्सिमम तो कितने भी कर सकते हैं, तो हम क्या रख सकते हैं कि इसकी लिमिट जो है, इसकी लिमिट हम रख देते हैं 2 से लेके 100। ठीक है, तो ये एक सिंपलर जो सिंपल सा ईमेल वैलिडेशन है, ऐसा नहीं कि इसमें स्पेशल करेक्टर आ गया वो आ गया, पर काफ़ी सिंपल मैंने बनाने की कोशिश की है। ठीक है, एक और ले लेते हैं एग्जांपल, है ना। हमें क्या लिखना है, हमें ये लिखना है, हमें ना ये लिखना है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो ए ई आई ओ यू की हो। ठीक है, और ए ई आई ओ तो यू रहे रहे स्टार्टिंग में, और उसके बाद जीरो मतलब कितने सारे भी नंबर्स आ सकें। ठीक है, तो हम क्या लिखने वाले हैं, लेट नंबर इज इक्वल्स टू, तो ए, तो हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू कितने भी आएंगे हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं हमें उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 0 to 9 लिख दो, 0 to 9 लिख दो, या फिर 0 to जो भी है 0 to 9। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे भी आप 0 to 9 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए ई आई ओ आएगा और उसके बाद कितने सारे भी नंबर्स आएंगे। अब मान लो कि मेरे पास ना ए ई आई ओ तो रह रहे, लेकिन उसकी स्टार्टिंग जो है मिनिमम एक या मिनिमम एक हो या एक से कम, डी आ जाए, जेड आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हम वहाँ पे लगा सकते हैं कि जेड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें एक जेड होगा या एक से कम जेड होगा, मतलब 0 या 1 जेड होंगे। ठीक है, तो ये है, अभी तो सिंपलेस्ट है, अभी कोई ज़्यादा हमने कैलकुलेशन नहीं की है, मतलब कोई ज़्यादा हार्ड रिजेक्ट नहीं बनाया। अब अगर मैं इसी को इसमें करने की कोशिश करूँ ना, इसमें जैसे ये तो सिंपल था, मान लो अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, कोई भी मान लेते हैं कि ये हमारी कोई स्ट्रिंग है बी ए ए और डी, मान लो डी का स्टार का मतलब क्या, डी कितने सारे भी आ सकते हैं पर स्टार्टिंग जो है बी ए ए से रहेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम नॉर्मली जब क्वेश्चन आते थे बी टेक में तो वो रहते थे कि इनमें कितनी स्टेट्स बन, मतलब कितने नोड्स, मतलब ये सर्कल जो बनेंगे वो कितने बनेंगे वो बताने हैं हमें। ठीक है, तो ये है, तो हम क्या कर सकते हैं, बी यहाँ चला जाएगा, ए यहाँ चला जाएगा, एंड देन ए यहाँ चला जाएगा और इसके ऊपर डी चला जाएगा। ठीक है, मतलब इसके बाद क्या है, कितने सारे भी डी जा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे स्टार लिखा है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे स्टार नहीं है, इसके अगर प्लस है। ठीक है, अगर प्लस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ से हटने के बाद, ये यहाँ से तो हट जाएगा, मिनिमम एक डी तो इसमें आना ही आना है। ठीक है, तो एक डी इसमें आना ही आना है, और यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मली रेगुलर एक्सप्रेशन है, काफ़ी सिंपल है, कि अगर ये वाले आप तरीका सीख जाते हो, नॉर्मल जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का पार्ट है, तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना तो काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो यही था नॉर्मल वीडियो में, अगली वीडियो में इसी का थोड़े से एडवांस देखेंगे, जिसमें हम स्पेशल करेक्टर्स, डॉट ऑपरेटर, मतलब और भी कई सारे हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में तो इतना ही था, अच्छी लगी हो तो लाइक वैक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।